गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे सहयोगी श्री सीआर पाटिल, गुजरात सरकार में मंत्री भाई जगदीश पंचाल, हर्ष संघवी, अहमदाबाद के मेयर किरीट भाई, केवीआईसी के चेयरमैन मनोज जी, अन्य सभी महानुभाव और गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साबरमती का ये किनारा आज धन्य हो गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत काटकर नया इतिहास रच दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर हाथ आजमाने का, सूत कातने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए आज ये चरखा चलाना कुछ भावुक पल भी थी। मुझे मेरे बचपन की ओर ले गई, क्योंकि हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत कातने के लिए बैठती थी। आज वो चित्र भी मेरे ध्यान में फिर से एक बार पुनःस्मरण हो आया। और जब इस सारी चीजों को मैं देखता हूं, आज या पहले भी, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एक भक्त भगवान की पूजा जिस प्रकार से करता है, जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है इस सूत कातने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। जैसे चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे, सभी लोग आज यहां खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। आज ही गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग और साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। मैं अहमदाबाद के लोगों को
गुजरात के लोगों को आज इस एक नए पड़ाव पर आकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। गांधीनगर और गुजरात ने हमेशा अटल जी को खूब स्नेह दिया था। 1996 में अटल जी ने गांधीनगर से रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था। ये अटल ब्रिज यहां के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। साथियों, कुछ दिन पहले गुजरात सहित पूरे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बहुत उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मनाया है। गुजरात में भी जिस प्रकार गांव गांव, गली गली, हर घर तिरंगे को लेकर उत्साह, उमंग और चारों तरफ मन भी तिरंगा, तन भी तिरंगा, जन भी तिरंगा, जज्बा भी तिरंगा, उसकी तस्वीरें हम सबने देखी है। यहां जो तिरंगा रैलियां निकली, प्रभात फेरियां निकली, उनमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार तो था ही, अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी रहा। यही संकल्प आज यहां खादी उत्सव में भी दिख रहा है। चरखे पर सूत कातने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है, वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। और इसलिए ये खादी उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। ये खादी उत्सव भविष्य के उज्जवल भारत के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने पंच प्राणों की बात कही है। आज साबरमती के तट पर
इस पुण्य प्रवाह के सामने, ये पवित्र स्थान पर मैं पंच प्राणों को फिर से दोहराना चाहता हूं। पहला, देश के सामने विराट लक्ष्य, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह त्याग। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास। और पांचवा, हर नागरिक का कर्तव्य। आज का ये खादी उत्सव इन पंच प्राणों का एक सुंदर प्रतिबिंब भी है। इस खादी उत्सव में एक विराट लक्ष्य, अपनी विरासत का गर्व, जनभागीदारी, अपना कर्तव्य, सब कुछ समाहित है, सबका समागम है। हमारी खादी भी गुलामी की मानसिकता की बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी ने हमें स्वदेशी का एहसास कराया, आजादी के बाद उसी खादी को अपमानित नजरों से देखा गया। आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी को गांधी जी ने देश का स्वाभिमान बनाया, उसी खादी को आजादी के बाद हीन भावना से भर दिया गया। इस वजह से खादी और खादी से जुड़ा ग्रामोद्योग पूरी तरह तबाह हो गया। खादी की यह स्थिति विशेष रूप से गुजरात के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी, क्योंकि गुजरात का खादी से बहुत खास रिश्ता रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि खादी को एक बार फिर जीवन दान देने का काम गुजरात की इस धरती ने किया है। मुझे याद है, खादी की स्थिति सुधारने के लिए 2003 में हमने गांधी जी के जन्म स्थान तब हमने खादी फॉर नेशन के साथ साथ खादी फॉर फैशन का संकल्प लिया था। गुजरात में खादी के प्रमोशन के लिए अनेकों फैशन शो किए गए, मशहूर हस्तियों को इससे जोड़ा गया। तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अपमानित भी करते थे, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग की उपेक्षा गुजरात को स्वीकार नहीं थी। गुजरात समर्पित भाव से आगे बढ़ता रहा और उसने खादी को जीवन दान देकर के दिखाया भी। 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली जाने का आदेश दिया, तो गुजरात से मिली प्रेरणा को मैंने और आगे बढ़ाया, उसका और विस्तार किया। हमने खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, इसमें खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प जोड़ा। हमने गुजरात की सफलता के अनुभवों का देश भर में विस्तार करना शुरू किया। देश भर में खादी से जुड़ी जो भी समस्याएं थी,
उनको दूर किया गया। हमने देशवासियों को खादी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और इसका नतीजा आज दुनिया देख रही है। आज भारत के टॉप फैशन ब्रांड्स खादी से जुड़ने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। आज भारत में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आज पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। खादी की इस बिक्री के बढ़ने का सबसे ज्यादा लाभ आपको हुआ है। मेरे गांव में रहने वाले खादी से जुड़े भाई बहनों को हुआ है। खादी की बिक्री बढ़ने की वजह से गांवों में ज्यादा पैसा गया है, गांवों में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हुआ है। पिछले 8 वर्षों में सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग में 2.25 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। और साथियों, गुजरात में तो अब ग्रीन खादी का अभियान भी चल पड़ा है। यहां अब सोलर चरखे से खादी बनाई जा रही है, कारीगरों को सोलर चरखे दिए जा रहे हैं। यानी गुजरात फिर एक बार नया रास्ता दिखा रहा है। साथियों, भारत के खादी उद्योग की बढ़ती ताकत के पीछे भी महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उद्यमिता की भावना हमारी बहनों बेटियों में फुट फुट करके, कुट कुट करके भरी पड़ी है। इसका प्रमाण गुजरात में सखी मंडलों का विस्तार भी है। 1 दशक पहले हमने गुजरात में बहनों के सशक्तिकरण के लिए मिशन मंगलम शुरू किया था। आज गुजरात में बहनों के 2,60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। इनमें 26 लाख से अधिक ग्रामीण बहनें जुड़ी हैं। इन सखी मंडलों को डबल इंजन की सरकार की डबल मदद भी मिल रही है। साथियों, बहनों बेटियों की शक्ति ही इस अमृत काल में असली प्रभाव पैदा करने वाली है। हमारा प्रयास है कि देश की बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार से जुड़े, अपने मन का काम करें। इसमें मुद्रा योजना बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। एक जमाना था जब छोटा मोटा लोन लेने के लिए भी बहनों को जगह जगह चक्कर काटने पड़ते थे। आज मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। देश में करोड़ों बहनों बेटियों ने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर पहली बार अपना कारोबार शुरू किया है। इतना ही नहीं, 1-2 लोगों को रोजगार भी दिया है। इसमें से बहुत सारी महिलाएं खादी ग्रामोद्योग से भी जुड़ी हुई है। साथियों, आज खादी जिस ऊंचाई पर है,
उसके आगे अब हमें भविष्य की ओर देखना है। आजकल हम हर वैश्विक प्लेटफॉर्म पर एक शब्द की बहुत चर्चा सुनते हैं, सस्टेनेबिलिटी। कोई कहता है सस्टेनेबल ग्रोथ, कोई कहता है सस्टेनेबल एनर्जी, कोई कहता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कोई सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करता है। पूरी दुनिया इस दिशा में प्रयास कर रही है कि इंसानों के क्रियाकलापों से हमारी पृथ्वी, हमारी धरती पर कम से कम बोझ पड़े। दुनिया में आजकल बैक टू बेसिक का नया मंत्र चल पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भी बात कही जा रही है। हमारे उत्पाद इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ये बहुत आवश्यक है। यहां खादी उत्सव में आए आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं सस्टेनेबल होने की बात पर इतना जोर क्यों दे रहा। इसकी वजह है, खादी सस्टेनेबल क्लोथिंग का उदाहरण है, खादी इको फ्रेंडली क्लोथिंग का उदाहरण है, खादी से कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां तापमान ज्यादा रहता है, वहां खादी हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अहम है। और इसलिए खादी आज वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। बस हमें हमारी इस विरासत पे गर्व होना चाहिए। खादी से जुड़े आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। इस मौके को हमें चूकना नहीं है। मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के हर बड़े सुपरमार्केट में, क्लोथ मार्केट में भारत की खादी छाई होगी। आपकी मेहनत, आपका पसीना अब दुनिया में छा जाने वाला है। जलवायु परिवर्तन के बीच अब खादी की डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। खादी को लोकल से ग्लोबल होने से अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। साथियों, आज साबरमती के तट से मैं देश भर के लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूं। आने वाले त्योहारों में इस बार खादी ग्रामोद्योग में बना उत्पाद ही उपहार में दें। आपके पास घर में भी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने कपड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ी जगह खादी को भी जरा दे देंगे तो वोकल फॉर लोकल अभियान को और गति मिलेगी, किसी गरीब के जीवन को सुधारने में मदद होगी। आप में से जो भी विदेश में रह रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के पास जा रहा हो तो वो भी गिफ्ट के तौर पर खादी का एक प्रोडक्ट साथ ले जाएं। इससे खादी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही दूसरे देश के नागरिकों में खादी को लेकर जागरूकता भी आएगी। साथियों, जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं वो देश नया इतिहास बना भी नहीं पाते। खादी हमारे इतिहास का, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं,
तो दुनिया भी उसे मान और सम्मान देती है। इसका एक उदाहरण भारत की टॉय इंडस्ट्री भी है। खिलौने, भारतीय परंपराओं पर आधारित खिलौने प्रकृति के लिए भी अच्छे होते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बीते दशकों में विदेशी खिलौनों की होड़ में भारत की अपनी समृद्ध टॉय इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। सरकार के प्रयास से खिलौना उद्योगों से जुड़े हमारे भाई बहनों के परिश्रम से अब स्थिति बदलने लगी है। अब विदेश से मंगाए जाने वाले खिलौनों में भारी गिरावट आई है, वहीं भारतीय खिलौने ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे उद्योगों को हुआ है, कारीगरों को, श्रमिकों को, विश्वकर्मा समाज के लोगों को हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से हैंडीक्राफ्ट का निर्यात, हाथ से बुनी कालीनों का निर्यात भी बढ़ रहा है। आज 2 लाख से ज्यादा बुनकर और हस्तशिल्पी कारीगर जेम पोर्टल से जुड़े हुए हैं और सरकार को आसानी से अपना सामान बेच रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी सरकार अपने हस्तशिल्प कारीगरों, बुनकरों, कुटीर उद्योग से जुड़े भाई बहनों के साथ खड़ी रही है। लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को आर्थिक मदद देकर सरकार ने करोड़ों रोजगार जाने से बचाए हैं। भाई और बहनों, अमृत महोत्सव की शुरुआत पिछले वर्ष मार्च में दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर साबरमती आश्रम से हुई थी। अमृत महोत्सव अगले वर्ष अगस्त 2023 तक चलना है। मैं खादी से जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को, गुजरात सरकार को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत महोत्सव में हमें ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित कराते रहना है। मैं आप सभी से, देशवासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर एक स्वराज सीरियल शुरू हुई है। आप देश के आजादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या संघर्ष हुआ, क्या बलिदान हुए, इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन पे रविवार को शायद रात को 9 बजे आती है, ये स्वराज सीरियल पूरे परिवार ने देखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या सहन किया है, इसका हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना और स्वावलंबन का ये भाव देश में निरंतर बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विशेष रूपे हमारी यहां माताओं बहनों ने पर प्रणाम करवा छे, कारण आज चरखो चलावो ए पण एक प्रकार की साधना छे। पूरी एकाग्रता थी, यौगिक भाव थी, आ माताओं बहनों राष्ट्रना विकास ने अंदर योगदान आपी रही छे। अने आटली मोटी संख्या में इतिहास में पहली बार आ घटना घटी हसे।
इतिहास में पहली बार। जे लोको वर्षों थी आ विचार साथे जोड़ायेला छे, आ आंदोलन साथे जोड़ायेला छे, एवा सौ मित्रों ने मारी विनंती छे कि अत्यार सुधी आपे जे पद्धति थी काम कर्यु छे, जे रीते काम कर्यु छे, आजे भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी ना मूल्यों ने फरी एक बार प्राणवान बनावाना जे प्रयास चाली रहा छे, एने समझवानो प्रयास थाय, एनो स्वीकार करीने आगळ वधवामां मदद थाय, एना माटे हुं आवा सौ साथियों ने निमंत्रण आपुं छुं। आओ आपणे साथे मळीने आजादी ना अमृत महोत्सव में पूज्य बापूए जे महान परंपरा उभी करी छे, जे परंपराओ भारत ना उज्ज्वल भविष्य नो आधार बनी सके एम छे, एना माटे पूरी शक्ति लगाविए, सामर्थ्य जोड़िए, कर्तव्य भाव निभावीए अने विरासत पर गर्व करीने आगळ वधीए, एज अपेक्षा साथे फरी एक बार आ सौ माताओ बहनों ने आदरपूर्वक नमन करीने मारी बात पूर्ण करू छू। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री, खादी के महत्व को दर्शाते आपके प्रोत्साहन पूर्ण उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आज जारे अपनी मानक उपस्थिति में 7